कॉमन साल्ट है, ठीक है। और ये साल्ट जो है हमारे पास आप देख सकते हो, ये NaCl है, सोडियम क्लोराइड, जो कि आप घर में इस्तेमाल करते हो। ये है 30 रुपीज केजी, और जिसमें हम क्या करेंगे, एक ऐसा केमिकल मिलाएंगे जिसकी वजह से ये बन जाएगा ब्लैक साल्ट, ठीक है। मार्केट में लोग क्या करते हैं, एडल्ट्रेशन करते हैं। ब्लैक साल्ट की कीमत अप्रोक्सीमेटली 300 रुपए किलो है, और 30 रुपए के आइटम को 300 रुपए किलो कैसे बना देते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे बोलते हैं इरियोक्रैम ब्लैक टी, ठीक है। और कुछ नहीं करना होता है, इसको मिला देंगे। आपका काला नमक तैयार हो गया, ठीक है। और ये काला नमक जो है उस तरीके से काम बॉडी में नहीं करेगा जिस तरीके से करना चाहिए, बट इसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अगर काला नमक रख दो और ये रख दो तो सेम एक ही जैसा दिखेगा, ठीक है। स्वाद भी साल्टी होता है, एक ही जैसे स्वाद आएगा, बट न्यूट्रिटिव वैल्यू उसकी वो नहीं है। सर पर वो थोड़ा पिंक नहीं होता, नहीं सर, इम्यूनिटी क्रिएट नहीं करता है वो, ठीक है। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये किस तरीके का साल्ट बन जाएगा, दैट बिकम ब्लैक साल्ट, ठीक है। काला नमक इस तरीके का होता है, वो रेडिश जो साल्ट होता है वो रेड साल्ट होता है, ठीक है। रेडिश कलर का भी बन सकता है, इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है, रेड फिनोल डालना है, उसके बाद वो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एडल्ट्रेशन आज की डेट में बहुत सारे जगहों पर किया जाता है, ठीक है। ये कॉमन होता है और एडल्ट्रेटेड करके मार्केट में लोग बेचते हैं, जिसका काफी नुकसान है हमारे बॉडी में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, क्योंकि ब्लैक साल्ट बॉडी के लिए जरूरी है, बट ये वाला ब्लैक साल्ट नुकसानदायक है क्योंकि इसके अंदर केमिकल डाला होता है। तो 30 रुपए किलो की चीज 300 रुपए किलो बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, इस तरीके की चीजें करते हैं, जो कि एक क्राइम है और ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। सर खाते